नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अनुपात समानुपात का पार्ट 4। इससे पहले अपन पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 2:3 हो, क्लियर। और कह रहा है कि यदि बी अनुपात ए प्लस सी बराबर दे रखा है 3:7, क्लियर। तो अपन से पूछ रहा है बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, यानी हमें मान ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी का, क्लियर है। तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे तो देखते हैं। देखो इन दोनों का हम योग करते हैं तो 3 और 2 5, क्लियर। ऐसे ही इन दोनों का योग किया तो 7 और 3 10। अब देखो यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, यानी यहाँ भी इसको 10 करने के लिए यानी समान करते हैं ऐसे अवस्था में तो किससे गुणा करना पड़ेगा अपन को 2 से। तो इस वाले पूरे समीकरण को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो ये मान बराबर हो जाएंगे, क्लियर। तो यानी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4 और ये 3 2 6, क्लियर। आप देखो यहाँ से हमें ए अनुपात बी अनुपात सी को ज्ञात करना है, तो यानी ए अनुपात बी, तो ए का जो मान है वो दे रखा है अपन को कितना है 4, क्लियर। ऐसे ही बी का मान पता है कितना है 3, और हमें ये पता है कि ए बी और सी तीनों का जो योग है वो कितना है 10, क्लियर। तो हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं यानी 4 और 3 7, यानी कितना बचा है हमारा यानी 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 4:3:3, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि यदि बी अनुपात ए प्लस सी, यानी सेम इसके तरह ही है, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर ये जो मान है ये दे रखा है ये हो 3:4 हो, क्लियर। तो हमें ज्ञात करना यानी फिर दूसरा मान दे रखा है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर हो भाई 5:9, तो हमें वही यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पता करना है, क्लियर। तो वही पिछले वाले प्रश्न की तरह करेंगे यानी इन दोनों का योग करेंगे। इन दोनों का यदि योग करेंगे तो ये होगा 4 और 3 7, इन दोनों का योग करेंगे तो ये होगा 14, क्लियर। तो यानी ये जो 14 है ये 7 का कितना गुणा है, यानी इन दोनों को बराबर करना है, तो हम ये कहेंगे ये इसका 2 गुणा है। ऊपर वाले पूरे समीकरण को किससे गुणा करेंगे हम 2 से, क्लियर है। तो यानी इसको 2 से गुणा किया तो 3 2 6 और ये 4 2 8, क्लियर है। अब देखते हैं तो देखो हमारे पास ए का जो मान है वो आ गया, यानी ए का मान है कितना 5, बी का भी आ गया, बी का जो मान है वो कितना है 6। अब हमें सी का ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ए बी और सी इन दोनों का यानी इन तीनों का जो योग है वो है 14, क्लियर है बात यहाँ तक। तो यानी ये 5 और 6 11 हो गए तो कितना कम है 3, तो सी का जो मान होगा वो क्या होगा 3 होगा, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 3 होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि यदि P अनुपात Q अनुपात R, यानी अपन को दे रखा है कि P अनुपात Q अनुपात R इनका जो मान है वो है 1:2:4 है, क्लियर। और अपन से पूछा है तो बताइए यानी अंडर रूट 5P² + Q² + R² बराबर है, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है,
क्लियर है। तो देखते हैं, तो देखो यहाँ P, Q और R का जो मान है वो हमें अनुपात में दे रखा है। तो ऐसी अवस्था में हम इसको कुछ मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि ये X है। अब X को एक से गुणा करेंगे तो यानी X ही आएगा, क्लियर। यानी यहाँ X लिख दें, X को दो से गुणा करेंगे 2X और 4 से गुणा करेंगे तो ये 4X, और जैसे ही X मानते हैं तो अनुपात का चिन्ह हमारा हट जाता है, क्लियर है। अब इसको हल करेंगे यानी यहाँ मान रखेंगे। तो देखो पी स्क्वायर, यानी पी का हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो यानी 5 ऐसे कैसे और x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस q का जो मान है वो 2x है, क्लियर। और ये 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस r का मान कितना है, यानी r का जो मान है वो है 4, क्लियर। अब हमें इसका स्क्वायर करना है तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और x का स्क्वायर किया तो ये हो गया x स्क्वायर, और इस पूरे का वर्गमूल निकालना है तो हमने भी इस पे रूट का चिन्ह लगा दिया, क्लियर है। अब इसको और हल करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 16 हो गए 25, और ये x स्क्वायर ऐसे कैसे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 और x स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो x, क्लियर है। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन ए में 2q और ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 5p और ऑप्शन डी में दे रखा है 4r। तो यहाँ देखो ये x हो चाहे y हो चाहे z हो चाहे p हो, इसका नाम कोई भी हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा, यानी आंसर क्या है 5p है। एक ही बात है, चाहे 5x कह दो या 5p कह दो, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला ऑप्शन। इसमें हमसे कह रहा है कि यदि एक्स प्लस वाई अनुपात वाई प्लस जेड अनुपात जेड प्लस एक्स बराबर हो 2:3:4 के, क्लियर। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है 27 हो तो जेड का मान क्या होगा, क्लियर। और ये वाला जो प्रश्न है वो पटवार 2013 के अंदर आया हुआ भी है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो देखते हैं, यानी हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड और एक दे रखा है जेड प्लस एक्स, क्लियर। इनका जो मान है वो दे रखा है 2:3:4 के अनुपात में, क्लियर है। और हमें एक्स वाई जेड का मान भी दे रखा है, यानी एक्स वाई और जेड बराबर है भाई कितना 27, क्लियर है। हमें ज्ञात करना है तो बताइए जेड बराबर क्या होगा, यानी किसका मान ज्ञात करना है, जेड का। तो देखो ऐसी अवस्था में हम इसको किस तरीके से हल करते हैं, क्योंकि यहाँ देखो एक्स भी दो बार आ रहा है, वाई भी दो बार और जेड भी दो बार। तो हम इनको एक लाइन में लिखते हैं, यानी एक्स प्लस वाई बराबर, यानी इसका मान ये वाला होगा, इसका मान ये वाला होगा और इसका जो मान है वो ये वाला होगा, यानी एक्स प्लस वाई ये कह सकते हैं बराबर है 2 वाई प्लस जेड। अब देखो ये 2:1 में है, क्लियर। तो हम अनुपात में बराबर, यहाँ चाहे इसको x मान लो या बराबर में k मान लो, जो सभी के साथ में गुणा करना है। ऐसे ही y प्लस जेड बराबर ये हो गया 3 के और जेड प्लस एक्स बराबर हो गया 4 के, क्लियर। k ही मैंने क्यों माना है, क्योंकि अपन अनुपात में बराबर में मान अगर कुछ नहीं होता है, अनुपात में होता है तो उसको k मान लेते हैं, या x y z जो भी आपकी इच्छा हो वो आप मान सकते हो, आंसर वही आएगा। अब देखो इसको हम जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो यानी x कितनी बार, 2 बार, y कितनी बार, 2 बार और z भी कितनी बार, 2 बार। तो 2 बार हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर ये हो गया 4 और 3 7 और 2 9 के, क्लियर है। अब देखो हमें दे रखा है कि x y और z का जो मान है वो कितना है, 27 है।
तो यानी इसकी जगह हम 27 लिख सकते हैं। अब देखो 27 यानी यहाँ है 2 गुणा में 27 बराबर ये है 9 के। तो सबसे पहले हम के का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो 9 से ये कट रहा है, 9 3 है 27 यानी के बराबर 3 दूनी 6। के बराबर जो मान आया है वो क्या आया है 6। अब के का जो मान आया है उसको यहाँ गुणा करेंगे तो इनका मान आ जाएगा यानी 6 दूनी 12 और 6 3 18 और ये 6 4 24 यानी इन सब का जो मान है x प्लस y का योग 12 है, y प्लस z का 18 है, z प्लस x का 24 है। अब हमसे चाहे किसी का भी पूछे, चाहे x का पूछे, चाहे y का पूछे, चाहे z का पूछे, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब ज्ञात किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। भाई हमको ज्ञात करना है किसका, z का। अब देखो हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों का जो योग है वो है कितना 27। क्लियर। और जेड का मान ज्ञात करना है तो जेड का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x और y का मान घटाना पड़ेगा 27 में से। और यहाँ देखो x और y का मान कितना है 12 है। क्लियर। तो जेड बराबर यानी ये हो जाएगा 27 माइनस 12 और 27 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना हमारा 15। तो यानी z बराबर जो आंसर है वो क्या होगा 15 होगा, यानी हमारा आंसर जो है वो क्या होगा 15 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 94 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग का 1/5 भाग और दूसरे भाग का 1/8 भाग का अनुपात 3:4 है। तो बताओ पहला भाग क्या होगा, यानी हमें बताना है कि पहला जो भाग है वो क्या है। क्लियर है। अब देखो राशि है हमारे पास में कितने की, भाई 94 रुपए। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर। तो यानी ये पहला भाग मान लिया मैंने। अब अपन से कह रहा है कि पहले भाग का 1/5 भाग तो इसका 1/5 हो गया। अब देखो अनुपात वाली बात है तो सीधा अपन बटे में लेते हैं इसको, यानी दूसरा भाग मान लिया बी, इसका कितना भाग 1/8 भाग। इनका जो भाग का अनुपात है वो बराबर है भाई किसके, 3:4। तो अनुपात वाली चीज है तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं, यानी ये हो गया 3/4। क्लियर है। अब इसको अपन हल करेंगे। तो देखो हल करेंगे तो यानी ये बटे के रूप में है तो 8 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा यहाँ, यानी ये हो गया अपना ए गुणा में 8 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 5 नीचे आ जाएगा बराबर 3:4। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 32 यानी ये हो गया 32 ए बराबर ये हो जाएगा कितना 5 × 3 = 15 बी। क्लियर है। अब ये आपस में कट रहा है क्या, नहीं। तो ऐसी अवस्था में यानी ए का जो मान है वो इस तरफ वाला होगा और बी का इस तरफ वाला होगा, यानी ए अनुपात बी जो है वो होगा भाई कितना 15:32। तो हमारा जो आंसर है यानी इनका जो अपन से पूछा क्या है, पहला भाग क्या है, ये तो हमने अनुपात निकाला है। अब देखो पहला भाग यानी ए का हिस्सा, तो अपन ए का हिस्सा ज्ञात कर लेते हैं भाई। अब ए का अनुपात है 15/ अनुपातों का योग, तो देखो अनुपातों का योग करेंगे तो ये हो गया कितना 47 और राशि है कितने की 94 रुपए की, ये इनमें बांटनी है। तो 47 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 30 होगा। क्लियर। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो देखो आप इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो, जैसे लिखा बात वही है। जैसे हमें दे रखा है पहले भाग का 5वां, यानी 1/5 भाग तो 1/5 और बी का 8वां भाग यानी 1/8। क्लियर है। तो ये हो गया ए
बटे में 5 और बराबर बी बटे में 8। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए अनुपात बी है, उनका जो अनुपात है वो क्या होगा, 5:8 होगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हमसे कह रहा है कि इनका भाग का जो अनुपात है वो 3:4, यानी पहले का 3 और दूसरे का 4, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15 और ये 8 × 4 = 32। अब चाहे पहला भाग पूछे चाहे दूसरा भाग पूछे, हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो राशि जो है वो है कितने की, 94 रुपए की। तो योग करेंगे, 32 और 15 ये हो गए कितने, 47, और 47 बराबर है भाई 94, तो 1 = में क्या होगा, 2। हमसे पहला भाग पूछा है तो यानी 1 = 2 है, तो पहले भाग का अनुपात है 15, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 30 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगले में अपन से कह रहा है यदि 68,000 रुपए को ए बी और सी में 1:2 / 1:4 / 5:16 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़े व सबसे छोटे भाग का अंतर क्या है। क्लियर है, तो देख लेते हैं। अब देखो राशि दे रखी है, राशि है कितने की, 68,000 रुपए की। तो हमने यहाँ भी लिखा कि हमारी जो राशि है वो 68,000 रुपए की है और इसको बांटना है यानी ए अनुपात बी अनुपात सी में, और किस अनुपात में, यानी 1:2 / 1:4 / 5:16 के अनुपात में बांटना है। क्लियर। बड़े व छोटे भाग का अंतर पूछा है, तो सबसे पहले तो हम इसका फाइनल रेशियो निकालेंगे। तो देखो एलसीएम लेते हैं, ऐसी अवस्था में एलसीएम क्या आएगा, 16, यानी इसको भी 16 से और इसको भी 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का भाग 16 में गया कितनी बार, 8 बार, ऐसे ये 4 बार, और 16 से 16 कैंसिल, यानी यहाँ क्या आया, 5 आया है। क्लियर है। अब देखो ये जो 6800 रुपए की राशि है ये तीनों का हिस्सा है, तो अपन तीनों के अनुपातों का योग करेंगे, तो यानी 8 और 4 = 12 और 12 और 5 = 17। 17 = है भाई कितना, 68,000 रुपए। तो 1 = क्या होगा, तो 1 = होगा 4001, यानी ये 4 बार कट जाएगा। क्लियर। अब देखो जब 1 = है कितना, 4000। अब हमसे पूछा है बड़े व छोटे भाग का अंतर, तो हम सीधा ही अनुपातों का अंतर करेंगे। तो देखो सबसे बड़ा भाग क्या है, 8, यानी जिसका अनुपात ज्यादा है वो सबसे बड़ा और कम है वो सबसे छोटा। तो इनका जो अंतर है वो अंतर कितना है, 4। और जब 1 भाग = है 4000, तो 4 भाग = कितना होगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए कितना, 16,000 रुपए। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 16,000 रुपए होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में अपन से कह रहा है 1220 रुपए को ए बी सी और डी को आपस में इस तरह बांटा जाता है कि जिसमें बी का हिस्सा ए के हिस्से का 5/9 है। क्लियर है। अब देखो देखते हैं, यानी राशि दे रखी है भाई, राशि जो है वो है 1220 रुपए की, इसको बांट रहे हैं अपन ए बी और सी, क्लियर, और डी में, तो जिन जिन में बांटा जाता है वो लिखे हमने। क्लियर है। अब हमसे कह रहा है कि जिसमें बी का हिस्सा ए के हिस्से का 5/9 है। अब देखो ये जो बी का हिस्सा है वो ए के हिस्से का 5/9 है, यानी इसका जो भी मानेंगे अपन तो उसका ये 5/9 है, और बटे का 9 जो है वो किधर आ जाता है, अनुपात में सामने। और ऐसे भी पता नहीं चले तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके साथ में का लगा हो तो बटे का मान उसी का होता है लास्ट में। तो अपन से कह रहा है ए के हिस्से के 5/9 है, यानी किसके हिस्से के, ए के हिस्से के, तो बटे का जो मान होगा वो ए का होगा। क्लियर है।
आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सी का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का 7/10 है, यानी सी का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का कितना है, 7/10 है। क्लियर, तो यानी ये 7/10। अब देखो वापस बी का नाम आ गया तो हम लाइन चेंज कर देंगे, यानी 10:7 बी और सी इन दोनों में आपस में जो संबंध है वो कितने का होगा, 10:7 होगा। क्लियर, अब सबसे पहले अपन ए बी और सी तीनों का ही मान निकाल लेते हैं, बाद में डी का निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ इसका अपन यदि मान निकालेंगे तो अपन देखते हैं, यानी यहाँ बी का मान 5 है और यहाँ 10 है, कितने गुणा है, 2 गुणा है। तो अपन क्या करेंगे, यानी इन सभी मानों को 2 से गुणा करेंगे, तो 9 × 2 = 18, 5 × 2 = 10 और ये 7 × 2 = 14। तो ए बी और सी का फाइनल रेशियो आ गया कितना, 18, 10 और 14। या फिर मैंने आपको जो तरीका बताया था छुपी पास में जो खाली जगह होती है उसमें पास वाली संख्या आती है, तो उसके तरीके से भी हल कर सकते हो, बात एक ही आती है। अब देखो, अब आगे हमसे कह रहा है कि एक यानी डी के पास बी व सी को मिलाकर जितना है उसका 1/3 है। अब देखो डी है इसके पास बी व सी को मिलाकर जितना है इसका 1/3 है, यानी 3/2 है, 1/3 है। तो देखो डी के पास, डी की बात कर रहा है, तो यानी यहां हम डी का योग करेंगे, ए और सी को मिलाकर जितना है, तो ए और सी इनको मिलाकर कितना है वो देख लेते हैं अपन। तो यानी यहां आए हमारे, सॉरी ये अपना कितना होगा, यहाँ पास वाली संख्या कुछ नहीं है, ये 7 ही रहेगा, है ये 7 ही आएगा। क्लियर है, अब देखो यानी 10 और 7 कितने हो गए, बी और सी को मिलाकर, तो बी और सी को मिलाकर 10 और 7 कितने हो गए हमारे, 17 हो गए। अब इसका तीसरा हिस्सा है, तो देखो 17 में हम किसका भाग देंगे भाई, 3 का। अब यहाँ इनके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में 1, इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1। अब आपको पता है कि बटे में मान अपन छोड़ते नहीं है, इसलिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 3। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और ये हो गया अपना 17। क्लियर है, यानी ये हमारा ए बी सी और डी का जो फाइनल रेशियो है वो अपना ये आ गया है। क्लियर है, अब हम इसको हल करेंगे, तो देखो हल करेंगे तो इनका योग करते हैं अपन, तो 7 और 1 8, 8 और 4 12, 2 और 1 3 और ये 6 और 5 11 और 1 12, यानी 122 बराबर है कितना, 1220। तो भाई 1 बराबर क्या होगा, यानी 1 बराबर होगा 10, 122 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार, 10 बार। हमसे पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या है, तो देख लेते हैं ए का हिस्सा क्या होगा। अब ए का भाग कितना है, 54, और जब 1 = 10 है तो 54 भाग = कितना होगा, यानी 540 रुपये। और अपन से यही पूछा है कि ए का हिस्सा क्या है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 540 रुपये आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 2 घरों ए और बी की कीमतों का अनुपात पिछले साल 4:5 था। क्लियर, और इस वर्ष ए की कीमत में 25% की और बी की कीमत में 50,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है अगर उनकी कीमतों में अब 9:10 का अनुपात हो, तो पिछले वर्ष कीमतें कितनी थी, यानी पिछले वर्ष इनकी कीमत जो है वो कितनी थी वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो लिखते हैं सबसे पहले, यानी 2 घरों ए और बी की कीमतों का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले हमने लिखा ये ए है और ये बी है, इनकी जो कीमतों का अनुपात है वो 4:5 था, और ये कब था, यानी ये है पिछले वर्ष का। क्लियर,
आगे कह रहा है इस वर्ष ए की कीमत में 25% की और बी की कीमत में 50% की क्या हो जाती है, वृद्धि। अब देखो ए की जो कीमत है भाई उसमें अब वृद्धि हो रही है, ए की जो कीमत है उसमें तो वृद्धि हो रही है 25% की, और बी की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो रही है 50,000 रुपए की। तो ये वृद्धि होने के बाद इनका जो अनुपात है वो अब वर्तमान में हो जाता है 9:10। तो पिछले वर्ष इनकी कीमत कितनी थी ये हमको हल करना है। अब देखो हल इसको हम कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि पिछले वर्ष इसकी कीमत 4x है और बी की कीमत 5x, और जैसे x मानते हैं तो अनुपात का चिन्ह हमारा हट जाता है, क्लियर है। आप देखो इसमें 25% की वृद्धि, अब आप सभी को पता है कि 25% की वृद्धि, तो प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि 25 × 100 यानी 1/4 की, यानी 4 पे वृद्धि हो रही है कितने की, 1 की। तो देखो यहाँ 4x है, अब इसमें 1x की वृद्धि होगी तो अब अनुपात यानी वर्तमान में इनका जो अनुपात है वो कितना होगा, 5x होगा या नहीं होगा, ये कब का होगा, वर्तमान का। ऐसे इसमें अब 50,000 की वृद्धि करनी है तो इसमें हम जोड़ देंगे 50,000, तो लिखते हैं। तो देखो वर्तमान का ए का अनुपात है 5x, बी का जो अनुपात है वो वर्तमान का कितना हो जाएगा, यानी 5x पिछले वर्ष का था, इसमें 50,000 की वृद्धि हो गई तो 50,000 लिखा, क्लियर। इस प्रकार वर्तमान का जो अनुपात है वो क्या है, 9:10 है, यानी 9/10, क्लियर। अब इसको हल करते हैं, तो देखो हल करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 50x बराबर, 9 को 5 से किया तो 45x बराबर, ये हो जाएगा 45,000, सॉरी 4,50,000, क्लियर है। अब इसको हल करेंगे तो ये 45, सॉरी ये 45 इस तरफ आएगा माइनस का, और 50 में से 45 गया तो ये बचा 5x बराबर 4,50,000, 5 से काटेंगे 5 × 45 तो ये हो गया कितना, 90,000। तो x बराबर जो मान आया है वो कितना आया है, 90,000 रुपये आया है, क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो अपन से पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं, हमसे पूछ रहा है तो पिछले वर्ष कीमतें कितनी थी, यानी पिछले वर्ष कीमत इसकी 4x थी, इसकी 5x थी, तो देख लेंगे x बराबर 90,000 आ गया, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9 × 36, और ये कितनी जीरो है, 4 जीरो ऐसे कैसे, यानी 3,60,000 रुपये। तो ए की कीमत थी पिछले वर्ष, बी की कीमत हो जाएगी 5 × 45 यानी 4,50,000 रुपये, क्लियर। और यही हमसे पूछा है कि पिछले वर्ष इनकी कीमतों का अनुपात क्या था जो हमने निकाल लिया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है यदि 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, क्लियर है, और आगे कह रहा है 20 छात्रों को हर एक कक्षा में बढ़ाया जाता है तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे ये हमें बताना है। तो देखो लिखते हैं, यानी 3 कक्षा है और 3 कक्षाएं हैं जिनमें यानी पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, छात्रों का अनुपात दे रखा है 2:3:5। अब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ाए जाते हैं, इसमें भी 20, इसमें भी 20 और इसमें भी 20, तो ये बढ़ाने के बाद जो अनुपात है वो 4:5:7 हो जाता है, तो शुरुआत में कक्षा में कुल कितने छात्र थे ये हमको हल करना है। अब देखो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे वो देखते हैं, तो यानी यहाँ अपन मान लेते हैं कि शुरुआत में ये 2x है, ये 3x है और ये 5x है। अब इनमें से जो आपकी मर्जी हो उसको आप तुलना करने के लिए कोई से भी 2 मान ले सकते हो, आंसर वही आएगा। अब ये अनुपात वाली बात है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2x/3x, और प्रत्येक में 20 की वृद्धि हो रही है, यानी 20 की वृद्धि इसमें करेंगे और 20 की वृद्धि हम
इसमें करेंगे, तो जो अनुपात है वो हो जाता है इन दोनों का कितना, 4:5 यानी 4/5। यदि आप चाहो तो इन दोनों की भी तुलना कर सकते हो, आप चाहो तो ए और सी की भी तुलना कर सकते हो, आंसर हमारा वही आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं भाई इसको हल करेंगे अपन, तो हल करेंगे तो गुणा कर लेते हैं, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 = 10, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 × 3 = 12x + 4 × 8 यानी 80 बराबर ये होगी 5 × 10x + 100। कैसे भी करो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। अब 10 को इस तरफ लाएंगे तो यानी ये किसका होगा, माइनस का, तो यहाँ बचा 2x। 80 इस तरफ जाएगा माइनस का और 100 में से 80 जाएगा तो 20, तो x बराबर यानी ये कटेगा भाई कितनी बार, 10 बार, तो x बराबर क्या आया है 10। अब देखो x बराबर 10 है, अपन से पूछा है कि शुरुआत में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कुल विद्यार्थी 5 और 3 = 8 और 2 = 10x, और 10x को यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो होगी कितनी, 100। तो शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे, 100, तो हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, 100 होगा। क्लियर? चाहे अलग अलग कक्षाओं का पूछे तो हम अलग अलग कक्षाओं का भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगले प्रश्न में अपन से कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या का फेल होने वाले संख्याओं के साथ में अनुपात 25:4 था। क्लियर? यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 हो जाता, तो परीक्षा में बैठने वालों छात्रों की संख्या क्या है वो ज्ञात करनी है। देखते हैं, तो देखो अपन से कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले, तो मैं सीधा ही लिखता हूँ, यानी ये पास होने वाले और ये फेल होने वाले, ये जो छात्र है इनकी जो संख्या का अनुपात है ये हमें दे रखा है, इनकी संख्या का अनुपात था भाई कितना, 25:4 था। अब देखो आगे हमसे कह रहा है यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती। क्लियर? यानी 5 विद्यार्थी और आते और फेल होने वालों की संख्या में 2 की कमी होती, यानी फेल होने वाले विद्यार्थी हैं ये वाले, इनकी संख्या में कितने की कमी हो जाती, 2 की। तो देखो फेल होने वाले एक तो 2 कम हो गए और 5 और अधिक आ जाते, इसका मतलब कुल टोटल विद्यार्थी 5 तो अधिक आए वो, और 2 जो फेल होने वाले हैं वो भी पास हो जाएंगे। अब इसका मतलब पास होने वालों की संख्या में कितने की वृद्धि होगी, 5 और 2 = 7 की। ये हमें ध्यान रखना है ये 7 कहाँ से आया, तब आपको पता चल गया होगा कि 5 और अधिक आते और 2 और कम फेल होते, इसका मतलब पास होने वाले 5 तो वो है ही जो आ रहे हैं और 2 यहाँ से और बढ़ गए इधर, तो ये कुल टोटल हो गए 7। क्लियर? तो इनका जो अनुपात है वो हो जाता है 22:3 हो जाता है। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या क्या है ये हमको हल करना है, हल कर लेते हैं। तो देखो इसको वही मान लेते हैं अपन 25x और ये 4x, तो यानी 25x/4x। अब यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की, और यहाँ कितने की कमी हुई, 2 की, तो कमी हो रही है तो माइनस करेंगे, तो इनका जो अनुपात है वो 22:3 यानी 22/3। अब इसको हल करेंगे अपन तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो देखो हल करते हैं अपन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 88x - 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 बराबर। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 75x + 21। हल करते हैं, 75 इस तरफ आएगा किसका होगा, माइनस का, और 88 में से यदि हम 75 घटाएंगे, क्लियर है, तो कितना बचेगा, यानी ये बच जाएगा अपना, इसमें से अपन 75 यदि घटाते हैं तो ये बचा 13x। क्लियर है बात यहाँ तक? अब 13x बराबर ये माइनस का 44 है, इस तरफ जाएगा किसका होगा, प्लस का। अब देखो
44 और 21 यानी ये हो गए 4 और 1 5 और 4 और 2 6 यानी 65, 13 का भाग देंगे 65 में तो x बराबर 13 × 5 = 65 यानी क्या आएगा 5। हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है यानी कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, तो कुल विद्यार्थी जो होंगे उनकी संख्या हमको ज्ञात करनी है तो हम ज्ञात करते हैं यानी 25 और 4 ये हो गए 29। अब 29 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होगा 145। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है परीक्षा में जो बैठे थे उनकी जो संख्या है वो क्या होगी 145 होगी यानी हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 145 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो अगले प्रश्न में अपन से कह रहा है 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला और हो जाते हैं तो लड़के की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। तो बताइए नई लड़कियों ने दाखिला लिया है उनकी संख्या क्या है यानी उनका हमें पता करना है। तो देखो हम लिखते हैं जैसे दे रखा है वैसे लिखेंगे यानी विद्यार्थी है 432 कुल टोटल। क्लियर। अब इसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं यानी ये लड़के हो गए और ये लड़कियां हो गई। इनकी संख्या का जो अनुपात है वो है भाई कितना 5:4 है। अब देखो पिछले वाले प्रश्न में हमें कुल नहीं दे रखा था, कुल पूछा था, जबकि यहाँ हमें कुल पता है कितने हैं 432 है और हमें इनका अनुपात दे रखा है तो हम इनकी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं लड़के व लड़कियों की, फिर बाद में जितनी कमी या वृद्धि होगी वो अपन बाद में देखेंगे। तो देखो इसको हल करेंगे तो 5 और 4 = 9 मैं यहाँ लिख रहा हूँ यानी 9 = 432 तो 1 = क्या होगा तो 9 का भाग देंगे तो 9 × 4 = 36। क्लियर। और 9 × 8 = 72 यानी 1 = क्या आया है 48। अब 1 = 48 है तो 5 = क्या होगा यानी 8 × 45 और 5 × 20 और 4 = 24 यानी 240 तो हो गए लड़के और लड़कियां हो जाएंगी 8 × 32 और 4 × 16 और 3 = 19 यानी 192 क्या है लड़कियां है। यहां तक हमने अलग अलग इनकी संख्या निकाल ली। आप देखो हमसे प्रश्न में कह रहा है कि जब स्कूल में कुछ नए लड़के व लड़कियां दाखिल हो जाते हैं, क्लियर, तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। अब देखो कुछ नए आते हैं तो लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि हो गई यानी 240 थे अब 12 और आ गए हैं और इनका जो अनुपात है वो बदलकर हो जाता है 7:6 तो हमने ये लिखा कि नया अनुपात ये हो गया। तो अपन से कह रहा है कि बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया यानी कितनी नई लड़कियां और आई, फिलहाल इसका हमें पता नहीं है। क्लियर। तो हम मान लेते हैं एक्स लड़कियां और आई। अब वही हल करेंगे इसको तो देखो 240 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो 252 क्या हो गए लड़के हो गए। ऐसे ही लड़कियों की संख्या 192 थी पहले, नई कितनी आई वो हमें पता नहीं तो हमने मान लिया कितनी आई है एक्स आई है बराबर। इनका जो अनुपात है वो 7:6 यानी 7/6। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम हल करते हैं। देखो हल करेंगे 7 × 2 = 14, 9 × 7 = 63 और 1 = 64 और 7 × 6 = 13 प्लस ये हो गया 7x = 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30 और 1 = 31, 6 × 2 = 12 और 3 = 15। क्लियर। यानी ये हो गया 1512। हमें तो x का मान चाहिए
सात एक्स बराबर। अब भाई 1512 में से यदि हम 1344 घटाएंगे तो ये बचेंगे हमारे, यानी 1344 यहाँ लिख लेते हैं, 1512 में से 1344 हमको घटाना है, तो यहाँ बचा अपना 8 या 10 यानी 6 और यहाँ 4 3 1 यानी 168। क्लियर है? 7 का भाग देंगे तो 7 2 14 दो बचे, 7 4 28 तो एक्स बराबर कितना आया है 24। और हमसे यही पूछा है कि बताइए कितनी लड़कियों ने, नई लड़कियों ने और दाखिला लिया, तो बताइए कितनी नई लड़कियों ने भाग लिया है 24। क्लियर? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कितना 24 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट देखो अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था, कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़के छोड़कर चले गए। क्लियर है? और लड़कियों की संख्या का, लड़के और वे लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो गया, तो बताओ कितने लड़कों ने विद्यालय को छोड़ा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 660। अब इसमें से कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी लड़के और ये लड़कियां हो गई, इनकी संख्या का अनुपात 13:9 कितना है, 9 है। तो सबसे पहले वही पिछले वाले प्रश्न की तरह देखो, यहाँ कुल पता है और इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है, हम कुल ज्ञात करेंगे। तो भाई 13 और 9 कितने हो गए, यानी ये हो गए 22, और 22 बराबर कितना है 660। 22 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार गया 30, तो 1 बराबर क्या आया है 30। अब 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 39 यानी 390 तो हो गए लड़के और 270 क्या हो गई लड़कियां। क्लियर है बात यहां तक? आगे अब हमसे कह रहा है कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया, तो भाई लड़कियों की संख्या 270 थी, अब 30 और आ गई और कुछ लड़के छोड़कर चले गए, तो ये जाने के बाद इनका जो अनुपात है वो हो जाता है कितना 6:5। तो बताओ कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा, ये हमें ज्ञात करना है। तो वही पिछले वाले प्रश्न की तरह हल करेंगे, यानी 390 लड़के हैं, 270 लड़कियां ये थी, 30 और आ गई, इसका मतलब अब कितनी हो गई 300। अब देखो कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है, छोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब वो चले गए, तो हम इसको माइनस करेंगे। तो लड़कों की संख्या 390 हमने मान लिया कि एक्स लड़कों ने विद्यालय को छोड़ा है, तो इनकी संख्या का जो अनुपात है वो होगा कितना 6:5, यानी 6/5। अब इसको हल करके x की वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारा 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 9 45 और 5 3 15 और 4 19 माइनस 5x = 6 3 18। क्लियर है? माइनस 5x बराबर, ये 1950 किसका है, प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। अब 1950 में से यदि हम 1800 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 150, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का भाग देंगे तो ये गया 3 बार और 0 ऐसे कैसे, तो x बराबर क्या आया है 30। और ये x जो है ये क्या है, जो लड़के छोड़कर गए हैं, और हमसे यही पूछा है कि बताइए विद्यालय से कितने लड़के छोड़कर चले गए, तो कितने लड़के जाएंगे छोड़कर 30, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? बाकी इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट जो पार्ट है 5, वो इसके बाद में जैसे ही अपन को टाइम मिलेगा तो अपन आपके सामने जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।